वचनम किम दरिद्रम, बोलने में कंजूसी क्यों, और खासकर तब जब बोलने से फायदा ही फायदा हो, नुकसान का नामो निशानी नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी संस्कृत के श्लोक को आत्मसात किए हुए हैं। बोलते हैं, खूब बोलते हैं, और उनके पास बोलने की इतनी बात होती है कि एक बार बोलने के बाद वो उस बात को भूल भी जाते हैं। अब देखिए, कोरोना की पहली जो लहर थी उन्होंने क्या कहा था, 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज, देश की जीडीपी का 10% राशि आत्मनिर्भर पैकेज में। लोग बाग वाह वाह कर उठे कि एक साथ इतना पैसा आ गया तो फिर इंडियन इकॉनमी के वारे न्यारे। आम आदमी इस ऐलान से ही इतना खुश हो गया कि पैसे की खोज खबर लेना भूल गया। लेकिन बुरा हो इस जीडीपी के आंकड़ों का, अभी जीडीपी के आए आंकड़े चीख चीख कर कहने लगे कि अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है। पिछले 60 साल में जो दिन नहीं देखने पड़े वो अब देखने पड़ रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय के मुद्दे पर पड़ोसी बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल गया है। जब हर तरफ से इस तरह की बात उठने लगी तो सबको याद आने लग गया 20 लाख करोड़ का पैकेज, जिसका मोदी जी ने अपने लच्छेदार अंदाज में ऐलान किया था। क्या कहा था उन्होंने, इसके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को, आर्थिक कड़ियों को 20 लाख करोड़ का संबल मिलेगा। इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी, लॉज सभी पर बल दिया गया है। माननीय मोदी जी ने 4L यानी लैंड, लेबर, लिक्विडिटी, लॉज की ये तुकबंदी 12 मई 2020 को पेश की थी। मतलब एक साल से ज़्यादा समय गुजर चुका है। अब सवाल उठता है कि एक साल गुजर जाने के बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने आत्मनिर्भर पैकेज में पैसा दिया कितना। बीबीसी ने यही सवाल पूछा पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग से। जवाब में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने योजना में बस 10% पैसा दिया है। उनकी बात को और विस्तार से समझाया भारत सरकार के पूर्व मुख्य सांख्यिक वित्त प्रणव सेन ने। क्या कहा उन्होंने कि 20 लाख करोड़ के पैकेज का नाम सुनकर लोगों को लगा कि मार्केट में 20 लाख करोड़ रुपए एक साथ आ जाएंगे। वो लोगों का वहम था, असल में केवल 2.5-3 लाख करोड़ ही आए। जो आत्मनिर्भर पैकेज है उसके बाकी पैसे गए कहाँ? जनता के मन में उठ रहे इस सवाल को वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपने खास अंदाज में सरकार से पूछा। उन्होंने पूछा कि किसी को पता है ये पैकेज कहाँ गया, पैकेज कहाँ गया, पैकेज कहाँ गया? हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, चेक चेक चेक। रवीश कुमार के इस पोस्ट पर लोगों ने मज़ेदार कमेंट किए हैं। किसी ने कहा कि बंगाल चुनाव में पैसा चला गया, किसी ने जवाब दिया कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में पैसा चला गया, किसी ने कहा, जो व्यूज़ थे उस पे जिस लोगों ने कहा उसमें से एक व्यक्ति ने कहा कि मोदी जी ने अपने लिए प्लेन ले लिया है, किसी ने कहा अब गृह मंत्री जी के लिए प्लेन खरीदने की तैयारी चल रही है। ये तो हुई तंज की बात, लेकिन तकाजे की बात अभी अधूरी है। ये सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि मोदी जी ने जिस आत्मनिर्भर पैकेज के तहत अर्थव्यवस्था में 20 लाख करोड़ पैकेज देने का वादा किया था उसका सच क्या है। सबसे बड़ा सच वही है जो मैंने शुरू में कहा था, वचनम किम दरिद्रम, बोलने में क्या जाता है, देना तो है नहीं, और जब देना ही नहीं तो फिर 20 लाख करोड़ बोलिए या फिर 40 लाख करोड़, क्या फ़र्क पड़ता है। काला धन वापस लेने, हर किसी को 15 लाख देने जैसे जुमलों की फहरिस्त में एक और जुमला। नमस्कार।